विद्यार्थियों सुप्रभातम। आप सभी का पुनः स्वागत है ऑनलाइन अध्ययनम अष्टमी की इस कक्षा में। रुचिरा से हम अध्ययन कर रहे थे नौवां पाठक को, उसी को ही हम आगे और बढ़ाते हैं। अस्तु, अग्रे वयम चलामः। आगे हम बढ़ते हैं। नौवा पाठ सप्त भगिन्या के हम अब कौन से भाग में हैं? दूसरे भाग वीडियो का या दूसरा भाग है। तो जहां तक हमने अध्ययन किया था उससे आगे हम लोग वहां पर पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि वो राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ अध्यापिका उनको उन राज्यों के बारे में बताती है। क्या बताती है? अध्यापिका कहती है, श्रृणुत, सुनो। अद्वयमत्रयम् चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयम् सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयम् आसे दो, मात्रयम् मासे तीन, चैव और न त्रि से युक्त तथा और दो, ये सात राज्य का समूह जो सप्त भगिनी के नाम से विख्यात है। इत्थम भगिनी सप्तके, इस सप्त भगिनी में इमानी राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? अ से दो, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश असम। और कहा, मात्रया म से तीन, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। न, यहाँ न है, न से आया नागालैंड, त्रि से आया त्रिपुरा, ये दोनों चेति चधन इति ऐसा। यद्यपि क्षेत्र परिमाण ही इमानी लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। ये यद्यपि चूंकि ये क्षेत्र मतलब स्थान छोटे हैं, ठीक है, राज्य बहुत छोटे छोटे हैं, ये लघुनी वर्तन्ते छोटे हैं, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। इनका गौरव बहुत बड़ा है, इनके बारे में लोग बहुत जानते हैं। सर्वे, सभी कहते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे? तब आगे अध्यापिका बताती है। अध्यापिका कहती है, इमाः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। ये जो सप्त भगिनी हैं वे अपने स्वीये प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीनाः, अपने अधीन ही रहते थे, एव दृष्टाः, दिखाई देते थे। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, किसी भी शासक के द्वारा ये शासित नहीं था, कोई शासन नहीं करता था इनके ऊपर। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, अनेक संस्कृति आदि की विशिष्टता से परिपूर्ण भारत भूमि में एतासां भगिनीनां, इन सभी भगिनों बहनों का की संस्कृति ही महत्वाधायिनी, इन सभी राज्यों की, इन सभी भगनियों की मतलब बहनों की संस्कृति जो है वो महत्वदायक है, महत्वाधायिनी, महत्वपूर्ण है, ऐसा। तन्वी कहती है, अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया? अध्यापिका फिर उत्तर देती हैं, श्रुत मधुर शब्दोयम्, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द है, सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य, बीते हुए शताब्दी के द्विसप्तति तमे वर्षे, पूर्व शताब्दी के द्विसप्तति मतलब 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। तो हम इसको मान लेते हैं 1972 में वर्ष में, 1872वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में
किसी के द्वारा यह कहा गया। ठीक है, यहाँ विगत शताब्दी कहा गया है तो बीते हुए शताब्दी का यहाँ पर बात आया है, तो उस समय कौन से शताब्दी को इन्होंने बीते हुए कहा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संशय है। अतः द्विसप्ततितमे मतलब 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में ये कहा गया है। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। इसी समय इन सभी राज्यों का फिर से संगठन हुआ था। स्वरा कहती है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, और भी कोई विशेषता है इनकी? अध्यापिका कहती है नूनम एव, अध्यापिका कहती है नूनम एव अस्ति एव, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी ही प्राकृतिक संपद भी ही सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष फूल आदि से के द्वारा प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा ये सुसमृद्ध है, भरा पूरा है, ये सभी राज्य भरे पूरे हैं। भारत वृक्ष भारत रूपे वृक्ष में और पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। फूल के गुच्छे के समान, गुलदस्ता जिसको हम बोलते हैं, गुलदस्ते के समान यह विराजित है। भारत रूपी वृक्ष में फूल के गुच्छे के समान, फूल के गमले के समान यह विराजित है। राजीव कहता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। महोदय, घर में जैसे सबसे सुंदर और सबसे अच्छी प्यारी बहन होती हैं, वैसे ही भारत रूपी घर में भी, भारत गृहे भी सर्वाधिका रम्या सबसे सुंदर इमाः सप्त भगिन्या सन्ति, ये सभी सप्त भगिनिया हैं। अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते इयम् भावना, तुम्हारे मन में आया आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी और बहुत ही कल्याणमयी है। परम सर्वे न तथापि अवगच्छन्ति, लेकिन सब इसी प्रकार से नहीं समझते हैं ना। अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। अच्छा ठीक है, इसकी विषय में और भी कुछ विशेषताएं कहनी है। सावहित मनसा श्रृणुत, ध्यान पूर्वक मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम्, जनजाति बहुल है मतलब यहाँ जनजातियों की संख्या बहुत है। कौन कौन सी जनजाति है? गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः इत्यादि बहवः जनजातीयाः, बहुत से जनजाति अत्र निवसन्ति, यहाँ रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना, शरीर से ऊर्जावान एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश में रहने वाले बहुभाषा भी बहुत से भाषाओं के द्वारा समन्विताः परिपूर्ण। पर्व परंपरा भी और पर्व परंपरा इत्यादि के द्वारा भी परिपूरित पूर्ण हैं। स्वलीला कला भी च, और अपनी लीला और कलाओं के द्वारा निष्णाता संति, एक्सपर्ट हैं, निष्णात हैं। मालती कहती है, स्टूडेंट महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्तं, वहां पर बांस के भी वृक्ष हैं। अध्यापिका कहती है, आम प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, हाँ इस प्रदेश में हाथ के शिल्प का, हाथ से जो बने हुए वस्तु हैं उनका बहुतायत मात्रा में वह मिलता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र आभूषण से गृह निर्माण पर्यंतम, घर को बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, बांस से बने हुए निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ वंश वृक्ष बांस के वृक्षों का प्रचुरता है, इसलिए सांप्रतम वंशोद्योगोयम, अभी वंश का यह उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, इंटरनेशनल रूप से इसका ख्याति यह प्राप्त है, इसको मतलब प्रसिद्ध है। अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोयम बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, यह जो भगिनी प्रदेश है बहुत ही आकर्षक है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है।
सलीम नाम का विद्यार्थी कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश समीचीन है, ठीक है? तो सभी छात्र कहते हैं, उच्चैः ही जोर से कहते हैं, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाले छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहेंगे। स्वरा कहती है, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है, रोचते मे अयम विचारः, यह विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यं तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति, ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो इन सभी सातों राज्यों के बारे में आप पूर्ण रूप से और अध्ययन करें तथा उनके बारे में जो कुछ भी आपका विचार होगा वो भी मुझे आप लोग, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।